करजन पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल द्वारा वडोदरा के सीनियर वकील वैसे नीरज जैन की ऑफिस में धस आने के साथ किए गए बर्ताव का विरोध करते हुए वडोदरा बार एसोसिएशन द्वारा आज जिला पुलिस अधीक्षक को रजूआत करते हुए आवेदन पत्र दिया गया। मिली जानकारी के आधार पर वडोदरा वकील मंडल के सीनियर धाराशास्त्री नीरज अजीत जैन की ऑफिस में धस आए वैसे करजन पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल प्रवीण बारिया द्वारा किए गए गैर बर्ताव अंतर्गत आज वडोदरा जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत करते हुए आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें जानकारी प्राप्त हुई कि 30 दिसंबर के दिन नीरज जैन की ऑफिस में शाम के 8 बजे के बाद उनके असिल भूमिका गोसाई तथा संदीप पढ़ियार के सामने पत्नी द्वारा किए गए केस संबंधित वे लोग चर्चा विचारणा कर रहे थे। दौरान करजन पुलिस स्टेशन के मिया गाम आउट पोस्ट के पुलिस कांस्टेबल प्रवीण बारिया द्वारा अचानक से वकील नीरज जैन की ऑफिस में धस आते हुए कोई भी परमिशन के बिना प्रवेश करने के साथ भूमिका बेन गोसाई तथा वकील नीरज जैन के साथ गैर बर्ताव किया गया, जहां वकील होने का रौफ जमाने का तथा अन्य गैर बर्ताव करते हुए शब्द का प्रयोग करते हुए वकील आलम में इस बात का भारी आक्रोश फूट निकला है, जो इस घटना का विरोध करते हुए आज वडोदरा वकील मंडल के प्रमुख नलिन पटेल सहित अन्य धाराशास्त्रियों द्वारा वडोदरा जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत करते हुए आवेदन पत्र दिया गया था। विषय तो एक अत्यारे छे चर्चा में के नीरज भाई जैन सीनियर धाराशास्त्री बड़ोड़ा एमना ऑफिस में जे करजनना पुलिस कॉन्स्टेबल जे प्रवीण सिंह बारैया एंटर थया अने एवी रीते एंटर थया कि जाने कोई गंभीर प्रकारना गुना में कोई मोटो गुनेगार होय अने जाने के कोई दारूनी रेड पड़ता होय कि एवी रीते कि तमे घुसी गया छो अने त्यां जई अने वकील साथे जे अभद्र वर्तन कर्युं एना विरोध में अने वकील ने पण जे अमने धमकी आपी कि भाई तने पण आ केसनी अंदर अमे लई लईशुं ऊंचकी लईशुं तो ए जे वर्तन छे ए समग्र वकीलों माटे हानिकारक छे अने तमाम वकीलों जे पोते वकीलात करे छे असील फाते जे पोतानी गुप्तता होय छे ए जळवाई ने एवी रीते एमने वर्तन कर्युं छे एना विरोधमां अमे आजे डीएसपी साहेब जे सुधीरभाई देसाई ने आजे आवेदन पत्र आप्युं छे ने एमने अमने अहींया धरना आपी छे खातरी आपेली छे के योग्यते एमनी कार्यवाही माटे हुं आने माटे तपास निमीश એક્શન નહીં લેવામાં આવે તો છેક સુધી અમે લડી લઈશું। આ મુદ્દે એવો છે સેન્સિટિવ છે અને આ જુનિયર વકીલોને પણ અસર કરતા છે અને સિનિયર વકીલોનું પણ માન સન્માનનો વિષય છે, એના માટે કોઈ પણ જાતનો કોઈ પણની શેરશરમ અમે સાગી લઈશું નહીં।